दे दो इन लोगों को, ये भी नजराना लेकर आ रहे हैं, रास्ता तो दे दो थोड़ा भाई, मेरा क्यों नुकसान कर रहे हो। जनाब आरिफ घुंगरू अनस दीवाना, मोहसिन दीवाना, ये सभी दीवाने यहां जो आए हैं फरियाद तक्कड़ या टक्कर, उनकी जानिब से ये 50 रुपए आए हैं। और ये ओहो लाल दीवाना बरखन, देखो दीवानों अब ज्यादा दीवाने मत बनो, गजल अच्छी हो रही है तो उसको अच्छा ही रहने दो, ज्यादा दीवानापन ना दिखाओ तो अच्छा है। अगला शेर पेश कर रहा हूं, कैसे जादू वो है जो सर चढ़कर बोले। अच्छी लगती है जब कोई बात तो लोग 10, 20, 50, 100 इसकी परवाह नहीं करते, दिल खोल कर नजराना देते हैं। जैसा कि अभी जलालुद्दीन भाई छोटा डॉन, उन्होंने ये 500 रुपए इस गजल पर मुझे पेश किए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर शेर सुनिए साहब, पूरा शेर आंसुओं का ये मौसम गुजर जाएगा, तेरे लब पर तबस्सुम भी आ जाएगा, देकर कभी बल्कि मुझको दिल की जमीन से तू आवाज दे, मुझको दिल के Thank you.
ये 50 रुपए इमरान दीवाना ऑटो वाले। अभी कुछ दीवाने बाकी हैं। बिलाल अजमेरी 50 रुपए आपकी जानिब से, ये 50 रुपए जी। गा तो हम भी सकते हैं पर आवाज कहाँ से लाऊंगा। ये शेर मुझे आप लिखकर जो दे रहे हैं ये कोई मतलब नहीं है इनके इस गजल में, लेकिन आपकी खुशी है, आप लिख लिख कर ला रहे हैं मेहनत से, तो खैर कुछ आवाजें ये भी आ रही है कि इनको मत पढ़ो। ये जनाब रईस अंसारी साहब जी जी 50 रुपए देकर गए और शेर भी लिख कर लाए। बड़ी लंबी हो जाएगी अगर फिर और कोई आ जाएगा शेर लेकर। मैं खालिश शेर पेश कर रहा हूं कैसे। ये जमाना भाई जान, ये जमाना है सहरा सिफत को सुतो। ये जमाना है सहरा सिफत को सुतो, बल्कि ये जमाना है सहरा सिफत हम नशी। ये जमाना साजिद दीवाना 50 रुपए और आए हैं। ये शायद आखिरी दीवाने थे। अब ये आखिरी शेर भी मैं पढ़े देता हूं क्योंकि ये शायरी का लेवल जो है, इसका स्तर जो है शायरी का, वो थोड़ा सा हाई है। और जो लोग उर्दू से वाकिफ हैं या गजल के बहुत शायकीन हैं, बहुत पसंद करते हैं जी जी, तो वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि किस तरह से अपने जज्बात एक औरत ने अपनी शायरी में ढाले हैं। आखिरी शेर तक आ गया हूं मैं, तो आखिरी शेर सुन लीजिए। कहना है क्या, शेर सुनने से पहले मेरी ये बात सुनिए, थोड़ी देर के लिए आप ये तसव्वुर कीजिए कि शबीना अदीब जी बैठ जाइए मेरे भाई, बल्कि किसी का भी अगर महबूब उसको चाहने वाला बीमार हो जाए, अल्लाह ना करे वैसे तो, अगर बीमार हो जाए, हॉस्पिटलाइज हो जाए, एडमिट कराना पड़े हॉस्पिटल में और बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाए और वो अपने चाहने वाले को, अपने महबूब को देखने हॉस्पिटल तक जाए, तो ये शेर देखिए कितना प्यारा लिखा है। तवज्जो कैसे,
शगन की कसम मैं आया को रसमन नहीं आई हूँ तस्लीम भाई की तरफ से और 100 रुपए ER उनकी जानिब से आए हैं बहुत बहुत शुक्रिया तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं आया को रसमन नहीं आई हूँ उसका महबूब बीमार है हॉस्पिटल में है ये अपने महबूब से हॉस्पिटल में जाकर कह रही है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं फॉर्मेलिटी अदा करने आई हूँ आपके पास तक तो नहीं ऐसी बात नहीं है मेरे महबूब मेरे महबूब तेरी दवा के लिए मेरे महबूब तेरी दवा के लिए मेरे महबूब तेरी दवा के लिए घर का एक एक जेवर से 50 रुपए मिले हैं बहुत बहुत शुक्रिया और ये आखिरी शेर पर बिलाल अजमेरी साहब ने भी 50 रुपए से नवाजा शुक्रिया और ये आखिर में नाम और रह गया है खैर इमरान दीवाना उनकी जानिब से भी 50 रुपए मिले हैं तेरे माथे की एक एक शिकन की कसम मैं आया तो रसमन नहीं कसम खुदा की घर का एक एक जेवर उठाना आएगा तू अगर मेरे घर तक